में गुजर गए, यहाँ तक के रमजान खत्म हुआ, एक बार मदीने में शोर हुआ, कल ईद है, कल ईद है। जैनब के कान में भी आवाज आई कि कल ईद है। बादे करबला बीबियों की पहली ईद थी। अब जैनब को याद आया, अगर ये सब पढ़ना है तफसील तो मेरी किताब उम्मुल बनीन जरूर पढ़िए, उसमें मैंने तफसील लिखी है कि हमेशा जब ईद का दिन अली की जिंदगी में आता तो हजरत जैनब अपने घर पर ईद का चांद देखकर ईद मनाने के लिए अमारी मंगवाती और जब महमिल आ जाती उसमें सवार होती और सीधे उम्मुल बनीन के घर जाती और जब घर में पहुंचती तो चार जवान भाई अब्बास के भाई जैनब को अमारी से उतारते तो जैनब ये कहती, अब मेरी ईद हुई है, मैंने अब्बास को देखा, मैंने ईद का चांद देखा। बहुत गिरिया करोगे, जब याद करोगे तो बहुत रोगे। सारी ईदें ऐसे गुजरी कि अब्बास 32 बरस के हो गए, लेकिन उम्मुल बनीन को मालूम था कि ईद की सुबह को शहजादी मेरे घर आती हैं। अब सुन लो, जब जैनब आ जाती तो अब्बास मस्क लेकर जाते और पानी भरकर लाते, सबसे पहला जाम भरकर पानी का जैनब को अब्बास पेश करते। जैनब कहती, ये पानी पीकर मुझे ईद का मजा मालूम होता है। जब तक जैनब अब्बास के हाथ से पानी न पीती तो कहती थी, ये मेरी ईद नहीं है, ईद इसी तरह होती है। अब बताओ, बादे करबला ईद आई है, अब क्या होगा? पहली ईद है, जब ईद आई सब परेशान थे, उम्मुल बनीन हैरान थी अपने घर में कि क्या होगा। एक बार जैनब ने कहा, सैयद सज्जाद हमारी मंगाओ, भाई माता हमारी मंगाओ। श्या चादर जैनब ने पहनी, हमारी पे श्या पर्दा पड़ा, नाका बिठाया गया, जैनब हमारी में बैठी और सारबान से कहा, अब्बास के घर चलो, अब्बास के घर चलो। सारी बीबिया पीछे पीछे। एक बार हमारी से जैनब उतरी और उतर कर पर्दा हटा कर सहने खाना में आई। अब जो देखा तो उम्मुल बनीन सर के बाल बिखराए, दौड़ कर जैनब से लिपट गई, अरे ईद है ईद, अरे आले मोहम्मद की ईद है। सुन लो, गिरिया करो। एक बार उम्मुल बनीन जैनब से लिपट गई, लिपट कर सिर्फ इतना कहा, कहा शहजादी, शहजादी, इतना मजमा था रोजे रसूल पर कि मैं आपसे एक बात ना पूछ सकी, अच्छा हुआ कि आप आ गई, तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। का मादरे गिरामी, पूछिए, क्या पूछना है? कहा जैनब, ये बताओ कि अगर कोई जख्मी घोड़े पर जख्मी होके गिरता है तो वो अपने हाथों के बल गिरता है, बस ये बता दीजिए, जब मेरा अब्बास थोड़े से गिरा तो क्या हुआ? एक बार जैनब ने पुकारा, अब्बास, अब्बास। कहा उम्मुल बनीन, अब्बास सर के बल, सर पास पास हो गया। दो जुमले रह गए, दो जुमले रह गए। एक बार याद रखना, जुमला याद है, जब जैनब घर में आती तो चार जवान भाई जैनब का बाजू पकड़ के लाके फर्श पे बिठाते थे। जैनब ने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं था। एक बार पर्दा हटा, अब्बास का बेटा फजल कंधे पे मस्क रखे हुए, फूफी अम्मा मेरे हाथ से बाबा के नाम पा। एक बार मातम शुरू, बाप बासा, बाप बासा।